बाढ़ की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले में अभी लगभग 350 नाव जिला प्रशासन के पास स्टॉक में रखा हुआ है। वहीं 67 नाव का जिले के विभिन्न घाटों पर परिचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए अररिया DM प्रशांत कुमार ने बताया कि जिले में NDRF की टीम आ गई है और उन्हें अररिया और फारबिसगंज में दो दो मोटर बोट के साथ आपात स्थिति के लिए रखा गया है। वहीं जिले के विभिन्न घाटों पर 67 नाव का परिचालन किया जा रहा है और 350 से अधिक नाव स्टॉक में रखा हुआ है, जो समय आने पर प्रभावित क्षेत्रों में दी जाएगी। 67 सरकारी नाव अभी संचालित किए जा रहे हैं। जहां जहां पे हम लोगों को खबर मिल रही है कि नाव की आवश्यकता है, तो हम लोग नाव उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिला में करीब 350 से ज्यादा नाव अभी हमारे यहाँ संचालन योग्य है, तो ऐसी कभी भी हमको सूचना मिल जाती है तुरंत हम लोग नाव उपलब्ध कर। NDRF की टीम को दो जगह पे इस बार हमने स्टेशन किया है, दो नावों के साथ फारबिसगंज में और दो मोटर बोट के साथ यहाँ पे अररिया टाउन हॉल में उनको स्टेशन किया गया है। अभी जो लगातार जो बारिश जो है हो नहीं रही है और नेपाल से भी हम लोग लगातार संपर्क में है और उनका जो रेनफॉल वर्षापात लेवल है उसको भी हम लोग रेगुलर तौर पे मॉनिटर किए कर रहे हैं। तो अभी पिछले कल रात से वर्षापात हो नहीं रही है और आज का जो वर्षापात है वो करीब 11 to 12 mm ही एवरेज देखा गया है।